मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। दीपक वोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं, फाउंडर चेयरपर्सन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज। और अजय शंकर जी, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं DIPP, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अलग अलग पहलू हैं इस डिक्लेरेशन के। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा, आपसे यही सवाल। मुझे लगता है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक स्किल का सबसे बढ़िया नमूना अभी देखने को मिला है। कंप्रोमाइज का एक बढ़िया सा डेफिनेशन है। एक केक को इस तरह से काटिए कि जितने लोग खाएंगे सब सोचेंगे कि मेरा पोर्शन सबसे बड़ा है। तो जिस तरह से यूक्रेन वार को लेके एक समझौता हुआ, रशिया इसीलिए खुश है कि उसका नाम नहीं है, और चाइना भी इसीलिए खुश है कि इसमें जनरलिटीज में है, और जो बाइडेन खुद काफी खुश है, और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी ओपनली कहा है कि इतना बढ़िया कंप्रोमाइज है, जो भी वेस्टर्न कंट्री चाहते थे वो उसमें है, और रशिया जो चाहता था उसमें है। तो पहले मैं ये कहूंगा, सबसे बढ़िया टेकअवे ये है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक स्किल का बढ़िया सा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नंबर टू, इंडिया जो जो एजेंडा बनाया था उसमें से काफी सारे एजेंडा ये डिक्लेरेशन में देखने को मिलता है। नंबर वन, अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इट शुड बी वुमेन लेड डेवलपमेंट, वो भी इस डिक्लेरेशन में है। भारत ने अपना जो DPI, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी प्रमोट करने के लिए कोशिश की, वो भी उसी में है। ये भी भारत का एक अचीवमेंट है। तीसरी बात है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी अनाउंस हो गया कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो उसमें इंडिया एक लीडरशिप दे रहा है, वो भी उसमें शामिल है, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप देखेंगे चाइना का क्या रिएक्शन है, चाइना काफी वरीड था कि डेट डिप्लोमेसी, जो डेट के बारे में लिखा हुआ है, ग्लोबल साउथ के जो डेट है, ये तो चाइना के ऊपर अटैक होगा, मगर वही भी उसमें है। चाइना बार बार ये कहा कि जियोपॉलिटिकल इश्यू डिस्कशन नहीं होना चाहिए, 8 पैराग्राफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे लिखा गया है। चाइना का ये रिएक्शन है, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर है ये कुछ भी नहीं है, ये सब बोलने की बात है, काम कर नहीं पाएंगे। जैसे क्वाड का रेस्टोरेशन हुआ था 2017 में, चाइना कहा था ये तो एक फोम है, ओशन फोम है, ये बिल्कुल बिखर जाएगा, मगर अभी क्वाड को लेकर काफी चिंतित है कि एक नेटो जैसे बन रहा है। मगर चाइना का रिएक्शन एडवर्स रिएक्शन है, जब जो बाइडेन ने अनाउंस किया ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के लेके, चाइना का रिएक्शन ये है। रशिया ने ये कहा है कि ये कंप्रोमाइज लाना बहुत ही डिफिकल्ट था, G20 का कोई मेंबर कभी भी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट एरिया के बारे में बात ही नहीं किए, इथियोपिया में बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ यूक्रेन के बारे ही बात कर रहे हैं, और फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक्सपर्सन भी ये कहा है कि व्लादिमीर पुतिन इसलिए नहीं गए हैं कि एक यूक्रेनाइजेशन ऑफ G20 चल रहा है, यूक्रेन 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 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन अभी चारों तरफ से देखने को मिलता है, मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, और दिल्ली डिक्लेरेशन समिट खत्म होने से पहले ही हो गया, समिट कल तक है और एक दिन पहले हो गया, ये तो एक न्यूज स्कूप टाइप का हो गया। और काफी सारे वेस्टर्न मीडिया लोग जो बैठे थे, हम सब सोच रहे थे कि कभी अनाउंसमेंट होगा ही नहीं, डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता, और सडनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया कि एक कंसेंसस डेवलप हो चुका है। फाइनली लास्ट पॉइंट जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडिया जो प्रपोज किया था कि अफ्रीकन यूनियन भी एक मेंबर बनेगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में उसको पब्लिक के सामने लाइव टीवी में अनाउंस कर दिया कि अफ्रीकन यूनियन ने अभी मेंबर बन गया, दैट वॉज ए फैंटास्टिक मूव ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। दीपक वोरा जी अब हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। दीपक जी, मैं आपसे भी यही सवाल तो आपने सुन ही लिया, खैर तो आपका जवाब भी सुन लें। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आ रही है लाउड एंड क्लियर सर। धन्यवाद, आभारी हूँ सर कि आपने मौका दिया है NDTV.in में शरीक होने का, और बाकी आपके जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बहुत कुछ सीखना है, आपसे सीखना है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, सुबह के 11:56 हुए हैं, बाहर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है और बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली में तो मौसम बिल्कुल टॉप का है। अब सर आपने शुरू में दिखाया था कुछ ये वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स जो लिखते हैं भारत के बारे में, सर ये कभी नहीं सीखेंगे,
अभी इसको अंग्रेजी में एटाविज्म कहते हैं, वो बीते हुए जमाने में जीते हैं। ये जो समिट डिक्लेरेशन हुआ है कंसेंसस, अब भारत के बारे में इतना कहूंगा, दिल्ली के बारे में, न्यू दिल्ली बन गया है कंसेंसस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये सर्वसम्मति का शहंशाह है। कुछ ही दिनों में नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है, भारत ने एक तोहफा पूरी दुनिया को दिया है कि ये तोहफा है उम्मीद का, बिकॉज द होल थिंग इज बिल्ट ऑन होप, हम आगे इकट्ठे होके क्या कर सकते हैं। और दुनिया ने एक तोहफा भारत को दिया है, दुनिया ने वोट में ये कहा है वी ट्रस्ट यू इंडिया। सर, तीन अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, कई लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे, साउथ सुडान, गिनी बिसाओ और किंगडम ऑफ लिसोथो। लिसोथो के एक भूतपूर्व विदेश मंत्री जो मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, उनका मेरे पास एक मैसेज आया था जब एडमिट किया गया अफ्रीकन यूनियन को, बोले मिस्टर एम्बेसडर, अफ्रीका हैज फाउंड इट्स प्लेस थैंक्स टू इंडिया। और फिर साथ में लिखते हैं कि वी हैव चोजन इंडिया एज आर डेवलपमेंट पार्टनर। और मैंने उनको वापस जवाब दे दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, मैंने अंग्रेजी में लिखा था, किस तरह से आपने सही चॉइस किया इंडिया का। सर, फिर आप बात कर रहे हैं ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ये रेल बेस्ड मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है सर, कि ये भारतीय सभ्यता हिंदू सभ्यता में शुरू होता है, इस्लामिक सभ्यता गुजरता हुआ क्रिश्चियन समुदाय में पहुंचता है, ये बहुत अहम है सर, और ये जरूर सक्सेसफुल होगा इसमें। और वो बेईमानी और रुसवाई इनिशिएटिव, क्या कहते हैं उसको, BRI, बेईमानी और रुसवाई तो है और क्या है, जितने देशों को उसने पैसे दिए थे सब बर्बाद हो रहे हैं। फर्क क्या है सर, चीन का जो इनिशिएटिव है सारे पैसे चीन लगाते हैं, और जो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं वो चीनी कंपनियां हैं। तो अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो चीनी कंपनी 3,000 रुपए में बनाएगी, घूस वूस खिलाएंगे नेता लोगों को और उतने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, जबकि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकल फंडिंग हो, लोकल कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ये बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में। इसीलिए सर भारत की जो छवि है इस समय, और ये 54 देश अफ्रीका के जो आप ले आए हैं अफ्रीकन यूनियन के जरिए सर, इनकी भी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, $3 trillion इनकी इकोनॉमी है, दुनिया में 12 जो सबसे वाली बात आप कर रहे हैं वो राजी। इसी पर मैं अजय शंकर जी से सवाल पूछना चाहता हूं। अजय शंकर जी, आपको लगता है कि वैश्विक मंदी और पैसे को लेकर, मैं इतना कहना चाहता था कि जो दुनिया की 12 सबसे तेज उभरने वाली इकोनॉमीज है 6 अफ्रीका में से, तो अफ्रीका को हम भूल नहीं सकते थे। ये जो मैं कह सकता हूँ वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया सर, मैं हेडलाइन पढ़ के आपको सुना देता हूँ, लिखा है एक ने इंडियाज मोमेंट, इंडिया हैज अराइव्ड, एक ने लिखा है इंडिया शो केसेस इट्स राइज, और तीसरे ने लिखा है इंडिया इज द नेबॉब, नवाब ने कहते नेबॉब ऑफ नेगोसिएशन, कंसेंसस किंग, वेल डन इंडिया। अब मैं आगे क्या जोड़ सकता हूँ। चलिए, तो कुछ बदला, लेकिन ये है कि विश्लेषण हर तरीके का होता है पश्चिमी मीडिया में, तो अब देखना होगा कि ये G20 डिक्लेरेशन को लेकर के शुरुआत में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला अजय जी, संदेह प्रकट करना लाजमी भी था क्योंकि बहुत विकराल समस्याएं थीं और बहुत मत बटे हुए थे, लेकिन चलिए खैर हो गया, ये चर्चा भी हो गई, बातचीत भी हो गई और पटाक्षेप भी हो गया। मैं अजय शंकर जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितना ट्रेड और कितना अर्थव्यवस्था एक फैक्टर है, क्योंकि क्या है कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, जो भी हो, लेकिन अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो उसके बाद फिर आप किस क्या लेकर के जाएंगे अपने देश के सामने, आपकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। तो आपको लगता है ये डर कि कहीं हमारी ग्लोबल अर्थव्यवस्था ना बैठ जाए, वो एक बहुत बड़ा चुंबकीय ताकत बना है सबके लिए जुड़ने के लिए? आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम याद करें तो G20 की शुरुआत हुई थी जब वित्तीय संकट आया था 2008-09 में, और तब पहली बार विकसित राष्ट्रों को एहसास हुआ कि जो बाकी बड़े राष्ट्र हैं उनको हम साथ ले आए तभी हम विश्व की आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और G20 बहुत कामयाब। आज का जो डिक्लेरेशन है वो इस बात का प्रूफ है कि अब विकसित राष्ट्रों को एहसास हो गया है कि जो विश्व की समस्याएं हैं वो जब तक सबको साथ लेके हम नहीं चलेंगे और अफ्रीका को साथ लेके नहीं चलेंगे तो उन समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। पहली जो चेतना आई वो कोविड की वजह से आई, कोविड में एहसास हुआ
कि आप अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर किसी कोविड की समस्या को नहीं संभाल सकते। अब जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, जिससे कि मानव जाति का भविष्य ही खतरे में है, तो उसका भी समाधान नहीं निकल सकता जब तक सारी दुनिया साथ। और एक और चीज जो बहुत सामने निकल के आई है कि विश्व में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, तो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, उसके जो विकास की चुनौतियां हैं, उस पे सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो विश्व के लिए अच्छा नहीं बने, भविष्य अच्छा नहीं है। तो इस डिक्लेरेशन में या घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि विकास के विषयों पर बहुत से अच्छे पैराग्राफ्स हैं, महिलाओं को लेके अधिक एड या लोन जो विश्व बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे ज्यादा धन उपलब्ध कराया जाए, जलवायु परिवर्तन के लिए और पैसा उपलब्ध हो, और जो सबसे बड़ी बात है जो कि जो बहुत ही कम विकसित राष्ट्र हैं उनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, तो उस कर्ज को बोझ करने के दिशा में कुछ बहुत अच्छे उद्देश्यों का संकेत है इस घोषणा पत्र में। और फिर भारतवर्ष की वजह से कुछ और नई चीजें आई हैं जो कि जहां हमने कामयाबी हासिल की है, जिससे कि कम खर्च में हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला पा रहे हैं, जो डिजिटल क्षेत्र में हमारी कामयाबी है, तो उसका अब इसमें बहुत बड़ा विश्लेषण है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सी समस्याएं कम खर्चे में उनका हम समाधान निकाल सकते हैं। और एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य की दिशा में डिजिटल दुनिया का या डिजिटल क्षमता का उपयोग G20 के सभी लोग या G21 अब हो गए मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे ले जाएं। तो जो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं और अलग अलग डिटेल्स हैं, उसमें एक व्यापक चित्र बनता है कि जो विकास और ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं, चुनौतियां हैं, उसके समाधान के लिए बहुत अच्छे इरादे हैं, अच्छे संकेत हैं और अच्छे डिटेल्स हैं। तो मैं इसको G20 तो हर वर्ष होता है, अगले वर्ष भी होगा, और उस श्रृंखला में इसको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूं कि G20 का एक दिशा निर्देश जी बिल्कुल और एक बेंचमार्क सेट हो गया, तरफ गया है जहां विश्व को बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक वोरा जी, प्रोफेसर महापात्रा और अजय शंकर जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। हमने ये सवाल कमल सिब्बल जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं उनसे भी पूछा कि ये जो सर्वसम्मति से हुआ है, जो आज नई दिल्ली में हुआ है, इस डिक्लेरेशन के मायने क्या हैं? आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं समझता था और कई लोग सोचते थे कि लीडरशिप डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि इतने डिफरेंसेस हैं US, यूरोप और रशिया चाइना के भीतर। अगर ये लीडर डिक्लेरेशन ना हो पाए तो G20 का बहुत बड़ा फेलियर होगा और साथ ही साथ में इंडियन डिप्लोमेसी को भी धक्का पड़ेगा, क्योंकि ये कहने को आएगा कि भाई भाई इंडोनेशिया में बाली में तो हो पाया लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूं कि लीडर्स डिक्लेरेशन जिस बैकग्राउंड में ये सक्सेसफुली इशू हुई है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडियन डिप्लोमेसी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनली उनके लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि हिंदुस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इतना जोर दिया G20 के ऊपर, 200 लोकेशन में 200 मीटिंग 60 लोकेशन में हुई और इसको इतना प्रोमिनेंस दी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कि अगर ये जॉइंट डिक्लेरेशन ना होती तो ऑपोजिशन इंडिया में और बाहर जो एक्सटर्नली भी ये कहते कि भाई इंडिया राइजिंग पावर है, इंडिया ग्लोबल रोल प्ले करना चाहती है, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो ये टेस्ट नहीं पास करे कर पाए। इस बैकग्राउंड में मैं समझता हूं कि ये लीडरशिप डिक्लेरेशन इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में अगर हमने सफलता पाई है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री हमारी है। दूसरी ये बात है
कि यूक्रेन का जो इशू था जिसके ऊपर वेस्ट दोहरा रहा था दोबारा दोबारा अंटिल द लास्ट मिनट, कि सवाल ही नहीं उठता कि हम यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण रशिया के कंडेम ना पाए, जो भी हम उनकी जो लैंग्वेज वो चाहते थे उसके ऊपर वो इंसिस्ट करना चाहते थे। दूसरी तरफ रशिया और चीन कहते थे कि जो बाली में समझौता हुआ वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में जो मैंने देखा है कि ये जो यूक्रेन के ऊपर पैराग्राफ्स हैं उसमें रशिया का नाम भी नहीं है, कॉन्डेमनेशन तो छोड़िए नाम भी नहीं है, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स को रेफर किया है जो रशिया को अप्लाई कर सकते हैं। टुमारो जब अगर चीन ताइवान के सिलसिले में कुछ कर पाए उनको भी अप्लाई होगा, और जो वेस्ट कर रहा है और जो पुराना उन्होंने किया है उनको भी ये अप्लाई करता है। ये जनरल प्रिंसिपल्स यूएन प्रिंसिपल्स हैं। इसलिए दो बातें हैं, एक तो इंडिया की विक्ट्री है, दूसरा रशिया की विक्ट्री है डेफिनेटली, क्योंकि कोई उनकी किसी कंडेमनेशन नहीं है।